वायरल होते वीडियो में तहसील के एक में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र सावनेर से गर्भवती महिला को बिना इलाज के लौटाए जाने और उसकी घर पहुंचकर मात्र आधे घंटे में प्रसूति होने की बात कही जा रही है, जिससे जनमानस में उक्त स्वास्थ्य केंद्र के प्रति रोष का वातावरण निर्माण हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो की सच्चाई जानने की हमारे स्थानिक संवाददाता ने कोशिश की, जिससे सच्चाई जनता के आगे आ सके। प्रसूति के दिन रात करीब 1 बजे उक्त महिला अपने पति के साथ स्वास्थ्य केंद्र सावनेर पहुंची, जहां ड्यूटी पर स्थित डॉक्टर ने उसकी जांच कर उसके गर्भवती की पुष्टि हुई, जिसकी जानकारी पति पत्नी दोनों को नहीं थी, न ही गर्भधारण संबंधित कोई कागजात उनके पास थे। तभी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर आगे का इलाज नागपुर मेडिकल में कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने नागपुर जाने से मना कर अपने घर रवाना हुए और घर पहुंचते ही उक्त महिला ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के उपरांत समाजसेवी हितेश बंसोड़ ने उक्त प्रसूति ग्रस्त माता और बालक को उसी सामने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उनका तुरंत इलाज किया और आज अभी भी उस महिला और बच्चे का इलाज चल रहा है और दोनों स्वस्थ है। इस विषय पर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र की सहयोगी प्रपाठक डॉक्टर मंजूषा ढोगले और प्रसूति रोग तज्ञ डॉक्टर प्रवीण वोकोडोसे से उक्त घटना के बारे में सविस्तार बात कर वायरल वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की, जहां उक्त सच्चाई बाहर निकल कर आई। एक्चुअली बात ऐसी हुई है कि एक पेशेंट RSTC में 1 बजे के दौरान रात को आई, तो हमने उसको एग्जामिन किया। एक्चुअली वो पेशेंट जब हमने पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया तो वो प्रीटर्म बच्चा लग रहा था, और जब हमने और ज़्यादा जांच एक्स्ट्रा हमने पूरा जब जांच किया तो हमको पता चला कि पेशेंट की ज़्यादा कुछ म्हणजे तिचा डिलिवरीला भरपूर वेळ आहे, अजून डिलिवरीला वेळ आहे, आणि पेशंटला आम्ही इन्व्हेस्टिगेशनचे रिपोर्ट्स विचारले की तुमचे काही कागद आहेत का, कारण आम्हाला समजत नव्हतं की ॲक्च्युली प्रीटर्म आहे की फुल टर्म आहे। फुल टर्म है तो ठीक है, हम यहाँ कर सकते हैं, पर अगर प्री टर्म है तो बच्चे का, अगर बच्चा कम वजन का निकलता है तो हमको नागपुर को रेफर करना है, क्योंकि हमारे पास कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। क्या पेशेंट कड़े एक साधा एक कागद न होता, सरकारी कागद न होता, प्राइवेट कागद न होता, तिच्याकडे कागदच नव्हते, तिच्याकडे हिमोग्लोबिनचा रिपोर्ट कसा असणार, ब्लड ग्रुप नाही, HIV स्टेटस नाही, काहीच नाही, पेशंट 2 फिंगर लूज होती। अशाच आम्ही त्यांना सांगितलं की बाबा तुम्ही इनको मेडिकल में लेके जाइए और हम आपको 108 नंबर की गाड़ी बुला के देते हैं और आप 108 की गाड़ी से आप मेडिकल में पहुंच जाइए। तर तेव्हा त्या पेशंटचे जे मिस्टर होते ते म्हणाले की नहीं, मेरे पास पैसे अभी है नहीं और मुझे नागपुर नहीं जाना है। आम्ही त्यांना 15 मिनट समजवलं की बाबा बात ऐसी नहीं, यहाँ पर करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, हमको प्लेसेंटा नहीं पता कि कहाँ पर है, आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता, आपका HIV स्टेटस नहीं पता, अगर हम डिलीवरी करते और ब्लीडिंग होते तो क्या करेंगे। तरी तो ऐकला नहीं, शेवटी तो म्हणाला की बाबा हम इसको घर लेके जाते हैं, और हमने उनको फिर भी रोका, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। वो हमको बोला कि मेरे घर में 108 आ सकती है। रविवारी रात्री 1 वाजता आमच्या इथे गरोदर माता आलेली होती, पण त्या महिलेने स्वतः तिला प्रेग्नन्सी आहे हे माहिती नव्हतं, तिच्या नवऱ्याला सुद्धा माहिती नव्हतं। तिला आणल्यानंतर ती ॲब्डोमिनल पेन म्हणून आली, आमच्या इथे डॉक्टरांनी तिला तपासलं, बघितलं तर लक्षात आलं की ही प्रेग्नन्सी आहे, पण बाळ फार छोटं होतं आणि बाळ छोटं असल्यामुळे तिला आणखी पुढे काही लागू शकतात, जसं सिझेरियन सेक्शनची गरज पडू शकते किंवा बाळासाठी काही न्यूनेटल केअर लागू शकते, म्हणून आम्ही तिला आमच्या डॉक्टरांनी तिला सल्ला दिला की तुला 108 बोलवून देते, तू त्याच्यामध्येच बसून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर येथे जा। तर 108 ते लोक जायला तयार नव्हते, ती तयार नव्हती, तिचे मिस्टर तयार नव्हते, आणि ते लोक घरी निघून गेले, आणि घरी निघून गेल्यावर तिथे ती लेडीची प्रसूती डिलिव्हरी झाली, आणि डिलिव्हरी झाल्यानंतर तिला परत मग इथेच आणण्यात आले ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रामध्ये। तिला आणल्यानंतर तिचं अम्बिलिकल कॉर्ड कट करणे, प्लॅसेंटा रिमूव्ह करणे, बाळाची काळजी घेणे हे सगळं आमच्या डॉक्टरांनी केलं। आता बाळ आणि आई दोघं पण सुखरूप आहेत। सावनेर से BCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।